लोगों को पता चलेगा कि ये वो विनर है जिसे सबा, बीनिश और हुमा ने विनर करार दिया, जिसे आप लोगों ने विनर करार दिया। वैसे हमेशा ऐसा क्या होता है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, पूरे साल पढ़े होते हैं, बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं, और जैसे एग्जाम नजदीक आता है, आपकी दोस्त या किसी और ने आपको कंफ्यूज किया कि आप तुमने वो सवाल नहीं तैयारी की, वो तो जरूर आएगा, आप सब भूल जाते हैं और आप उस क्वेश्चन की तैयारी में लग जाते हैं जो पता नहीं इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, और पेपर में सब उथल पुथल करके आ जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं ना। उसी तरह शादी वाले घर में चाहे आप कितने भी बहुत ही सॉलिड तैयारी हुई भी होती है, कितने ही महीनों से तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन जब शादी वाला दिन करीब आता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, दुपट्टे जल गया, कपड़े जल गए, मेकअप आर्टिस्ट भाग गया, कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसा ही है, आज हमारे पास ग्रैंड फिनाले है, और जो चार दिन तक यहाँ ऐसे जमी रही हैं सॉलिड बनकर, जिनका काम आपने देखा और पसंद किया है, कुछ पता नहीं क्या आज उनके हाथ पांव काम जाए। जैसे कल हुआ था, परसों सबने इतना आला काम किया था कि हमें मुश्किल हो गया था ये डिसाइड करना कि कौन बाहर जाएगा, और कल सबने इतना बुरा काम किया था, हाथ पांव फूल गए सबके। मतलब कोई टास्क ऐसा आ जाता है कि आप उथल पुथल हो जाते, लेकिन हमने अपने जितने भी सीजन्स हैं उसमें हमने देखा है कि लोगों ने सीखा है, और अल्लाह करे आज मुझे ये रिजल्ट निकल के सामने आए कि हमारी सारी कंटेस्टेंट्स ने कुछ ना कुछ इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर सीखा है, और शायद आप लोगों ने भी सीखा हो।